बड़ी पॉपुलेशन के लिए जितना संसाधन आपके पास में है, क्या वो सफिशियंट है? क्या सफिशियंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसी से हम लोग काम करते हैं और यथासंभव जितना जल्दी हो सके आम जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हो। दो गाड़ी से ही माने अभी काम फिलहाल चल रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अपने पत्रकारिता के सही धर्म को निभाया है। हम लोग भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे से थोड़ा सा नज़रअंदाज करते रहे हैं, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब घटना घट जाती है तो शिकायत करने में हम आगे आ जाते हैं कि भाई सरकार की लापरवाही थी। लेकिन सरकार को सजग कराना, व्यवस्था को सजग कराना एक औद्योगिक संगठन का भी काम होता है, सरकार को बहुत सा काम होता है। हो सकता है इस जगह पर ध्यान प्रॉपर वे में नहीं जा रहा होगा, हमारे हमसे भी भूल हो रही है और भी जितने संगठन हैं उनसे इसमें भूल हो रही है कि इस विषय के महत्व को समझते हुए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जान माल जिसको बोला जाता है, जान और माल, जान भी जाता है माल भी जाता है। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, 2 एकड़ जमीन इसको सैंक्शन किया गया है, इसका मतलब सरकार के किसी माध्यम पर इस विषय की गंभीरता को समझा गया होगा और ज़रूर DC साहब होंगे यहाँ के जो जिलाधिकारी होते हैं या उद्योग के जो भी पदाधिकारी होते हैं वो समझे होंगे। लेकिन उस पर काम नहीं होना और काम नहीं होने उस पर मतलब रुक जाना, जरूर कहीं ना कहीं किसी विभाग की लापरवाही है या इसके महत्व को नहीं समझा जा रहा है। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके माध्यम से और निश्चित तौर पर IDA MD को, जो हमारे गार्जियन होते हैं, DC को जरूर आज से मैं बोलना शुरू करूँगा कि इस बात की गंभीरता को समझा जाए और जल्द से जल्द 5-6 यूनिट जो भी सुविधा मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से उसे व्यवस्थित किया जाए और उसे चलायमान किया जाए।